Hi, good morning everyone. Good morning, Good ma'am. And as you know, our chapter time is we were doing, and yesterday we have done our exercise number 10.2. Okay, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आई क्या? बताइए इस चैप्टर में. नो मैम. नो मैम. एवरीथिंग नो क्लियर? मैम. बहुत इजी चैप्टर है, सो समझते हो यस चैप्टर मैम. चीज को? ठीक है बेटा. ओके, नाउ टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 10.3 एंड इट इज आल्सो वेरी इजी. इसमें क्या होगा बेटा, इनमें आपको टाइम को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि मिनट के सेकंड बनाने सीखेंगे. कितनी, अगर मान लीजिए आपको पता है कि 1 मिनट, एक सेकंड, चैप्टर है ये 10 यस सर, चैप्टर 10 टाइम. एज यू नो देयर वन डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स. ठीक है. एंड टू डेज, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन टू डेज? दो दिन में कितने घंटे? मैम 48. हाउ डिड यू गेट दिस नंबर? आपको 48 मैम 48 मल्टीप्लाई 2 मैम 48. वेरी सिंपल है. हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने. एक दिन में अगर 24 आवर्स है, देयर आर 24 आवर्स इन वन डे, देन देयर विल बी 48 आवर्स इन टू डेज. व्हाट वी डिड, वी मल्टीप्लाई 24 इनटू 2. ठीक है, ये 24 को दो दिन से पता लगाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए बहुत इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दिस 2 to 4. 2 4s आर 8 एंड देन 2 2s आर 4. हियर कम्स 48. एंड डू यू नो एक्जेक्टली हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 3 days? We will now multiply 24 by 3. तो जितने भी दिनों में हमको पता लगाना है कि आवर्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, 24 से उसी, जितने भी दिनों का पता लगाना है उसको, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे कि 3 को 4 से करेंगे और फिर वापस 3 को 2 से करेंगे. 3 4 12 12 का 2 यहाँ लिखेंगे एंड कैरी विल बी 1, बाद में ऐड करेंगे इसको. 3 2 6 6 and 1 7. There are 72 hours in 3 days. ये बात समझ में आई? Yes ma'am. ठीक है. Yes ma'am. आज की क्लास में आपको आवाज क्लियर आ रही है? Yes ma'am. Yes ma'am. Are you enjoying the class? Yes ma'am. Are you enjoying? Yes ma'am. Yes ma'am. मैथ्स पढ़ने में मजा आता है अपूर्व जी? यस मैम. ठीक है बेटा. यस मैम. यस मैम. देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स. इनको आपको आवर्स में चेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 7 डेज, ये लिखा है. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? वी नो, क्या लिखोगे? वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स एंड 7 days is equal to 24 into 7. ठीक है, और डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 7 को एक बार आप 4 से करेंगे, फिर 7 को 2 से करेंगे. 7 4s are 28. 28 का 8 आप यहाँ लिखेंगे, कैरी विल बी 2 हियर एंड 7 2s are 14 एंड 2 16. यहाँ आप 16 लिख देंगे. ठीक है, और इसके आगे आवर्स लिखना इज नेसेसरी. भाई पता तो चले ये है क्या, आवर्स हैं, सेकंड्स हैं, डेज हैं, क्या हैं. तो आपने क्या पता लगा लिया, 7 डेज में, यानी कि 1 वीक में आपके कितने घंटे हो गए हैं? 168 आवर्स. ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं. फर्स्ट के 4 पार्ट्स हैं. 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी पार्ट में 17 को 7 से करेंगे एंड इन डी पार्ट 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. मैम इन सबको 24 से मल्टीप्लाई कर देना है ना? हाँ जी बेटा, जब डेज में आपको पता लगाना है कि इतने दिनों में कितने आवर्स हुए हैं, तो क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई ऑल डेज बाय 24. ठीक है, सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अध्ययन जी?
मैम 24। यस ठीक है, ये हो गया क्लियर। और लिखना कैसे है इसको, ये इस तरीके से, वी नो दैट वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 7 डेज इज इक्वल टू 24 × 7, और फिर डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी बच्चे को ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं आ पा रहा है तो भी आप क्या करेंगे, यस मैम, हाँ वंस, तो आप क्या करेंगे 24 × 7 ऐसे कर लेना, ऊपर नीचे लिख के, ठीक है, कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन, आती है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यस मैम, मैम हम अभी भी जॉइन हुए हैं, मैम हमें पेज नंबर बता दीजिए। अच्छा, वी आर डूइंग एक्सरसाइज 10.3 एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। ओके मैम, देखो टाइम से जॉइन किया करो, ठीक है, 10 बजे की रोज आपकी क्लास रहेगी, तो 10 बजे रेडी रहा करो बेटा, ठीक है, और 2-3 मिनट 5 मिनट लेट हो सकता है, बाकी 10 बजे रेडी रहा करो। तो आपको करना क्या है इसमें, क्या नाम से, ख्याति समझ में आ गया आपको, 1 day is equal to 24 hours, तो 7 days में कितने होंगे, 24 × 7 कर देंगे, ठीक है बेटा, रब कर दूं हम इसे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कन्वर्ट 6 hours into minutes, क्वेश्चन है आपका, मैम कॉफी में करना है, मैं बता दूंगी बेटा, अभी जस्ट आपको समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है, ओके मैम, सिर्फ समझना है, उसके बाद जब आप एबल हो जाओगे, समझ लिया आपने, आपको लिखना आ गया, हाँ जी साहब ऐसे करना है इसको, फिर आपको चाहे कितने क्वेश्चन दे दें आप तो उनको कर लोगे। जैसे कि आपको आपका नाम की स्पेलिंग मैंने लिखनी सिखा दी, ठीक है, अब उसे देख के क्या लिखना है, आप जब भी हम आपको बोलेंगे आपने नाम की स्पेलिंग लिख के दिखाइएगा, आप लिख देंगे ना, इसी तरीके से आप एक बार पैटर्न को समझ लीजिए कि कैसे हमको एक क्वेश्चन, हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, एक बार आ गया फिर चाहे कितने क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। तो क्या करना क्या है होमवर्क में, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी आफ्टर दिस क्लास, अभी आप जस्ट समझिए, ठीक है, समझते चलिए। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट 6 hours into minutes, तो वी नो दैट आवर्स है और मिनट्स हैं, ठीक है, तो 1 hour लिखेंगे पहले, 1 hour में भाई कितने मिनट होते हैं, जब घड़ी की सुई 2 बजे से लेकर और पूरा एक राउंड ये बड़ी वाली 12 से काट के पूरा वापस आके इधर वापस आ जाती है, तो छोटी वाली कितने पे पहुंच जाएगी, 3 पे, 1 hour हो गया, ठीक है, 1 hour में मिनट कितने पास हुए हैं, ये मिनट वाली सुई ने पूरा राउंड एक ले लिया, 10 तक तो आपके हो गए, 5 times are 50 minutes, और फिर 11 पे जब सुई आई तो 55 minutes, और जब वापस 12 पे पहुंच गई तो 60 minutes, मालूम है 1 hour में मिनट कितने हो गए आपके, 60 minutes, ठीक है, तो 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes, 60 minutes, तो भाई 6 hours में कितने होंगे बताओ तो मुझे, बता सकते हैं कोई बच्चा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, चलो बताओ 2 hours में कितने होंगे, 2 hours में, पहले 2 की देखते हैं, मैम 60 multiplied by मैम 1 के 5 sir, मैम 120 hours, मैम 1 के 5 sir, 2 hours में, हाँ बताओ बेटा, मैम 120 minutes, मैम 120 hours, ओके ओके ओके, एंड हाउ वी गेट 120 नंबर, ये कौन बताएगा, मैम मैम मल्टीप्लाई बाय 2, यस दिया 60 multiplied by 2, 60 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, वेरी नाइस, हमने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, इस 60 को, 60 × 2, तो देखिए जब भी मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता होना चाहिए जीरो जो है लास्ट में, एक जीरो है तो आपने लास्ट में जीरो को लगा दिया, फिर 2 जीरो जा कितना होता है 0, और 2 6 are
12, 120 आ गया। अब 3 आवर्स में कितने होंगे बताओ तो, क्या करेंगे? 16 into 20। क्या निकल के आ रही है कि जितना भी हमको पता लगाना है ना कि भाई 3 आवर्स में कितने होते हैं, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। 2 आवर्स में पता लगाना है तो 60 से कर दो 2 को, है ना। तो इसमें 60 को करेंगे 6 3 18 और ये 0 की 0, ठीक है। तो और इसके आगे लिखना जरूरी होता है कि क्या आए हैं ये मिनट्स, ठीक है बेटा। MINUTES याद रखनी पड़ेगी आपको इसकी स्पेलिंग। तो क्वेश्चन में क्या था, 7 6 आवर्स है, तो 6 आवर्स के लिए क्या करेंगे बताओ तो? मैं 60 मल्टीप्लाई बस 6 कर देंगे। वेरी नाइस। 6 0 0 एंड 6 6 36 360 360 360, ठीक है, समझ आ गया। ओके एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कन्वर्ट टू, एक सेकंड एक सेकंड, मैम 1 36 1 360। हाँ जानवी पूछ रही है क्या? जानवी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। फोर आवर्स के लिए क्या करेंगे? वी नो दैट, क्या लिखेंगे? वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। क्या 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ये हमको पता है पहले से। वी नो का मतलब हमको मालूम है ये बात, ठीक है। तो 4 आवर्स में कितना होगा? 4 आवर्स में 240 मिनट्स। 240 मिनट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं मुझसे। ऐसे ही सेकंड डी पार्ट में देखिए, 9 आवर्स में पता लगाना है, 9 into 60 कर देंगे। 15 आवर्स में पता लगाना है, 15 into 60 कर देंगे। हाँ बेटा। मैम मेरे को समझ में नहीं आया। कौन बच्चा? अध्ययन जी। बेटा आपको क्या करना है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 4 आवर्स में पता लगाना है। तो हम 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 0 0 और 4 6 24। हर बार हमको इसमें जब भी हमें कितने आवर्स में कितने मिनट हो गए हैं ये पता लगाना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे पहले समझाया था 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट, तो 2 आवर में कितने होंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 आवर में कितने होंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 आवर में कितने होंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 5। और 9 आवर्स में 60 मल्टीप्लाई बाय 9। 15 आवर्स में 60 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे। अब इसका डी पार्ट और देख लीजिए आप एक बार। 7 आवर्स और हैं 50 मिनट्स। भाई इसको लिखोगे कैसे आप, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसको लिखेंगे कैसे आप? सेव कहाँ हो रही है? चलो समझो, अभी बाद में देखते हैं कैसे करेंगे। 7 आवर्स 50 मिनट्स, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू मिनट्स। तो आप देख सकते हैं ये मिनट्स तो पहले से ही बने हुए हैं, आधा काम तो हमारा हो ही रखा है। इस जो पहले से मिनट बने हुए हैं उनको हम अभी साइड पे रखेंगे, ठीक है। और 7 आवर्स को आपको ओनली चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 आवर वी नो दैट 1 HOUR 1 hour is equal to 60 minutes। तो 7 hours is equal to 60 multiply by 7। इतना समझ में आया? Yes ma'am। 7 0s are 0 और 7 6s are 42। ये हो गए minutes, ठीक है। लेकिन हमसे तो पूछा था 7 hours और 50 minutes, 50 मिनट और भी हैं, तो उस 50 मिनट का हम क्या करेंगे? Who will tell me? विदुषी? हाँ विदुषी बताएंगी। मैम
जितने आएंगे 7 आवर्स को जब मिनट्स में बता लेंगे उसको, उसमें से जो डिजिट आएगी उसको है ना 50 में प्लस कर देंगे। 50 और भी, अब 420 मिनट थे, अब इसमें 50 मिनट और भी प्लस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 7 आवर्स और 50 मिनट्स इज इक्वल टू, ये 420 मिनट तो इसके हो गए थे आपके 7 आवर्स के, प्लस क्या कर देंगे इसमें 50, ठीक है। अब आपको ये प्लस करना क्या आता है या नहीं आता, आई डोंट नो, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। 420 इसके नीचे लिखेंगे 50 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। 470 मिनट्स, माइक ऑफ कर लीजिए अगर किसी का ऑन है तो। इतनी बार समझ में आई, ध्यान से देख लीजिए, ये मैं आपको सेंड करना पड़ेगा अभी मुझे ताकि बच्चे देख सके। फोटो ले लूं इसकी? यस मैम, यस मैम, फोटो भेज दूंगी इसको देख देख के, बाकी के क्वेश्चंस भी आप ऐसे ही करेंगे। ओके ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। इसको रब कर दूं बेटा? हां यस, ये सब यस मैम। अब देखो ई पार्ट देखिए, इसी का ही ई पार्ट, ई पार्ट इसमें लिखा है क्वेश्चन टू का 11 आवर्स और 23 मिनट्स, इसको चेंज करना है आपको मिनट्स में, ठीक है। 23 मिनट्स तो हमारे पहले से ही बने हुए हैं, तो ये हमको चेंज करने की जरूरत नहीं, बाद में हम इसको ऐड कर देंगे। और 11 आवर्स में कितने मिनट होते हैं ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू, 1 आवर में कितने होते हैं भाई, 60 मिनट, 60 मिनट। ये तो बड़ा क्यों हो गया, अब क्या हो जाता है समटाइम्स, बहुत ही बड़ा हो गया ये, कोई बात नहीं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 11 आवर्स, बताइए जी 11 आवर्स में क्या करेंगे हम, 60 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। अब 11 जीरोस आर 0, 11 का डिवाइड करेंगे, 11 सिक्स आर 66, आंसर आया आपका 660 मिनट्स। लेकिन अभी हमको ये जो है कहाँ चले गए, 23 मिनट्स, इसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये पहले पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, 11 आवर्स 23 मिनट्स इज इक्वल टू 660, 11 आवर में 660 आए हैं ना मिनट्स, प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें 23, ठीक है जी। अब अगर आपको ऐड करना नहीं आता है ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो आप इसको वर्टिकली लिखेंगे, एक के नीचे एक और कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट करना सीखना है तो देखिए, वंस में वंस ऐड करेंगे, जीरो में थ्री ऐड किया तो थ्री, और वंस प्लेस पे ही लिख देंगे। टेंस पे टेंस ऐड करेंगे, सिक्स में टू ऐड किया तो आ गया आपका एट, और यहाँ हंड्रेड प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो सिक्स का सिक्स, 680 मिनट्स। व्हाट माय पॉइंट, नेक्स्ट चलें? यस मैम, यस मैम, यस मैम, ठीक है बेटा, यस मैम। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू, ये भी बहुत इजी है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट, ओहो मिटा दिया मैंने फोटो नहीं ली उसकी, तो मैं खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, अब एक फोटो ली है वो तो भेज दूंगी, बाकी आप कर लीजिएगा खुद ही, समझ तो रहे हो ना, ठीक है। और जिसको फिर भी समझ में नहीं आए तो ग्रुप पे जो काम भेजेंगे बच्चे उनसे आप समझ सकते हैं, करना लेकिन बेटा खुद ही है सॉल्व। जो बच्चा किसी का देख देख के सॉल्व करता है मैथ्स में, उसको कभी भी मैथ समझ में नहीं आती है, देख लो समझ लो और फिर करना आपको खुद ही है, ठीक है, ध्यान रखना, यू योरसेल्फ हैव टू डू योर वर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्ट द फॉलोइंग, डायरेक्टेड लिखा है, चलो जो भी है जैसा कहा है वैसा इसमें करना है। 10 मिनट्स 20 सेकंड इनटू
सेकंड, यानी कि इसको सेकंड में चेंज करना है पूरे को, यानी कि 10 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो 20 सेकंड तो पहले से ही हमारे सेकंड बने हुए, उनको हम बाद में ऐड कर देंगे। हमें पता लगाना है कि भाई 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, उसके लिए हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। अब देखिए घड़ी देखिए 12 से ये जो अपनी रेड वाली सुई होती है क्लॉक में छोटी वाली, ये स्टार्ट होती है, ठीक है, यहां से चल के जब ये पूरा राउंड काट के 12 पे पहुंच जाती है, तब आपकी जो मिनट वाली सुई होती है ये बड़ी वाली सुई, ये कहां पे आ जाएगी, 12 से 1 पे आ जाएगी, ठीक है, समझ आया। तो इसने जब एक राउंड पूरा काट लिया तब जाके आपकी एक मिनट हुई है, तो 1 मिनट में सेकंड कितने हुए, सेकंड की सुई कितना कितना घूम गई, 60 सेकंड, टिक 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 ऐसे कर करके वो 60 टाइम्स घूमी है, तब जाके एक मिनट हुआ है और वो एक मिनट आगे बढ़ी है मिनट वाली सुई, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना हुआ, वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, ओफो यार ये क्या है मैम, 60 सेकंड्स, मैम 60 सेकंड, ठीक है। तो कितना मिनट है, 10 मिनट में पता लगाना बेटा, 10 मिनट में कितना होगा बताओ, तो क्या करेंगे हम इस 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो कितना आया बेटा, देखिए 0 और 0 दो जीरो तो आप लास्ट में यही लगा दो, ठीक है, और 6 बन जा 600 और लास्ट में क्या लिख दोगे, सेकंड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, 10 मिनट 20 सेकंड इज इक्वल टू 600 सेकंड प्लस ये 20 सेकंड और भी है इसमें, तो भाई 20 सेकंड, ठीक है। अब 600 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 620 सेकंड, आई बात समझ में, इसकी एक टिक ले लेती हूँ वरना आप कहोगे मैम सारा काम हमको ही दे दिया आपने, तो आई होप आप कर पाओगे इन क्वेश्चंस को बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है। टाइम देखूं इसमें, टाइम कितना हो गया मैम, 10:27 तीन मिनट की क्लास और है, एक क्वेश्चन और करा दूं, कोई ये नहीं कहता मैम हम कर लेंगे मैम, ये कोई नहीं बोल रहा मुझे, हम कर लेंगे, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, तुम भी कहते हो 12 मिनट्स और है 40 सेकंड इनटू सेकंड, भाई जिसको अभी तक का समझ नहीं आया मामला वो अब समझ ले, आपके लिए एक और चांस है, ठीक है। इसको चेंज किस में करना है, इनटू सेकंड, तो देखिए 40 सेकंड तो पहले से ही सेकंड बने हुए हैं, इसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे 40 को, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब कितना है ओनली 12 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये पता लगाना है, तो हमको ये पहले से ही पता है, वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू, एक मिनट में कितने सेकंड बताए थे मैंने अभी भी, 60 सेकंड, चलो तो बताओ 12 मिनट में कितने सेकंड होंगे बेटा, मैम 60 मल्टीप्लाई बाय 12 करके बता दो, जीरो तो लास्ट में लगा दी मैंने, और 12 सिक्स जा 12 सिक्स 72, वेरी नाइस, और आगे क्या लिख देंगे, सेकंड स्पेलिंग SECOND पूरी आनी चाहिए, लेकिन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख, अब 60 मिनट में तो इतने आ गए, लेकिन हमको 12 मिनट इतने सेकंड, लेकिन हमको पता लगाना है 12 मिनट, अब क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा आपको, 12 मिनट 40 सेकंड इज इक्वल टू 720 प्लस क्या प्लस करना है इसमें, 40 सेकंड ये वाली, ठीक है, चलो 40 सेकंड भी ऐड करते हैं, 720 में 40 ऐड किया तो कितना आया बताओ, क्या आया मैम, 780 बेटा, 4 एंड 2 कितना होता है, 6, ठीक है, चलिए ये हो गया सेकंड, क्या हम क्वेश्चन कंप्लीट कर दें,
यस मैम यस मैम यस मैम चलो बढ़िया 760 सेकंड आ गए आपके। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब ये क्लास आपकी ओवर हो जाती है और होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूं। यस मैम 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 हमें होमवर्क है ना कॉपी में करना है क्या? एक्सक्यूज मी मैम डिजिटल क्लासरूम में आके बोर्ड पे करोगे बताओ वेयर वी यू विल डू एक्सक्यूज मी मैम और काम कर सकते हो कैन यू एक्सप्लेन मी कॉपी में करना बेटा होमवर्क कॉपी में ठीक है एक्सक्यूज मी मैम हां बेटा पूछो मैम टुडे इज माय बर्थडे ओह हैप्पी बर्थडे जुग जुग जियो बेटा आशीर्वाद आपको सारी क्लास एक बार इसको विश कर दीजिए प्लीज जल्दी से हैप्पी बर्थडे विदुषी हैप्पी बर्थडे गॉड ब्लेस यू बेटा ठीक है थैंक यू मैम इंटेलिजेंट बनो और बढ़िया सी आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पे पहुंचो ठीक है अच्छी अच्छी पढ़ाई करना ओके मैम पैटर्न्स ऑफ द डे ठीक है थैंक यू मेरे नाम का केक भी खा लेना चलिए ठीक है ओके बाय एवरीवन Bye, ma'am. 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 Bye,